ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਮੀਅਤ ਉਲਮਾਏ ਹਿੰਦ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਮੀਅਤ ਉਲਮਾਏ ਹਿੰਦ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿਮੂਦ ਅਸਦ ਮਦਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਲੋਂ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਯਾਚਿਕ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰਾਓ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। जब भी किसी चीज को जब दबाया जाता है तो उतने फोर्स के साथ वो वापस आती है। एक शोकर का जो स्प्रिंग होता है, शोकर का स्प्रिंग होता है, जितनी जोर से उसको दबाओगे वो उतनी तरीके से वापस आएगा। और यही मुसलमानों के साथ हो रहा है। पहले 3 तलाक के नाम पे उनको जलील किया गया, फिर 370 धारा के नाम पे जलील किया गया, बाबरी मस्जिद के नाम पे जलील किया गया, अब इन्होंने CAG के नाम पे जलील किया है। तो इनको इसका जवाब देना पड़ेगा और इसका जवाब आप लोग देंगे। आपको यही आप लोगों से अपील करूंगा कि भैया सच्चे मुसलमान बनो, अपने शिया सुन्नी को छोड़ो, देवी ब्रेलबंदी को छोड़ो, देवी को छोड़ो, आप सबको छोड़ दो। आप सिर्फ पहले सबसे पहले मुसलमान बनो। अगर आप मुसलमान बन गए तो आपको कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं गिरा सकती है। बस मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को विराम दूंगा क्योंकि मेरी भी रिकॉर्डिंग हो रही है। कल मुझे भी जेल में डाल दिया जाएगा, पता नहीं कौन सा टाटा वाटा लगा दिया जाएगा। लेकिन अगर आपके आपके जहन में आता है कि DS बिंद्रा जी को अरेस्ट किया तो आप लोग इसी तादाद के साथ आ जाना। बस बनाया गया है, तरमीम जो लाई गई है, ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है बल्कि ये मुल्क के खिलाफ साजिश है, हमारे देश के खिलाफ साजिश है। तो मैं आप लोगों से बस एक ही अपील करूंगा, शांति का माहौल बना के रखिए, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए। और अब नमाज का वक्त हो गया है तो हम लोगों को अमन के साथ, शांति के साथ, इत्मीनान और सुकून के साथ अपने घरों को वापस जाना है। हम लोगों ने जो हमें करना था वो किया है, आगे भी इंशाल्लाह जो इसके खिलाफ जो जो करना है वो इंशाल्लाह करेंगे, इससे पीछे नहीं हटेंगे। सरकार ये कैब लेके आई है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, नागरिकता बिल लेकर आई है। क्या इस सरकार ने इससे पहले जो ये बात कह रही है कि पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हैं उनके खिलाफ में धार्मिक अत्याचार होते हैं, क्या इस सरकार के पास में कोई डाटा है, कोई आंकड़ा है, कोई रिपोर्ट है, कोई सर्वे कराया? क्या इन्होंने पाकिस्तान से बात करी, क्या बांग्लादेश से बात करी, क्या इन्होंने अफगानिस्तान से बात करी? नहीं। तो किस आधार पर कह रही है कि उनके धार्मिक अत्याचार हो रहे हैं? कहीं कुछ नहीं इनके पास में। केवल यही नहीं, अगर इनके साथ अत्याचार हो रहे थे, अगर इनके साथ अत्याचार हो रहे थे तो क्या इस सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, संयुक्त राष्ट्र में, यूरोपियन यूनियन